चलिए नजर डालते हैं न्यूज प्राइम 24 की खास खबरों पर। नवादा में एनडीआरएफ की टीम द्वारा युद्ध स्तर पर सरकारी गैर सरकारी भवनों सहित शहर को किया जा रहा सैनिटाइज। नवादा में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कोरोना से संबंधित घर घर सर्वेक्षण कार्य प्रगति की सभी कोर टीम सदस्यों के साथ बैठक कर घर घर सर्वेक्षण कार्य की ली गई जानकारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घोषणा के बाद भी नवादा में डीलरों की मनमानी, बिना कार्ड धारी को नहीं मिल रहा राशन, भुखमरी के कागार पर है गरीब। नवादा के गोविंदपुर डाकघर के कर्मचारियों ने जरूरतमंदों में राहत सामग्री का किया वितरण। नवादा में 320 लीटर देसी शराब के साथ कार को पुलिस ने किया जब्त, तस्कर फरार, गुप्त सूचना पर दुपट्टा मोड़ के पास की गई कार्रवाई। नवादा के रजौली में जरूरतमंदों के लिए जुआ लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज कुमार सिंह ने बढ़ाया हाथ, वीडियो को राहत सामग्री कराया उपलब्ध। पटना में बड़ा नाव हादसा, सवारी से भरी नाव पीपा पुल से टकराकर गंगा नदी में डूबी, एक महिला की मौत, 3 लापता की तलाश जारी। पटना सिटी में नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों का कहर, वेटनरी डॉक्टर के घर में घुसकर डॉक्टर सहित माता पिता को उठा ले गए अपराधी, पीड़ित परिवार ने हत्या कर गंगा में फेंकने का लगाया आरोप, तलाश जारी। पटना नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन की अनोखी पहल, बहादुरपुर स्थित झुगियों में 500 लोगों के बीच भोजन सामग्री का किया वितरण। पटना के नौबतपुर में अपराधियों ने किराना दुकानदार को गला रेत कर किया हत्या, जांच में जुटी पुलिस।